बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम दोस्तों, मैं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम अल्ताफ। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाजमी लाइक करना है। तो हाजिर है एक ज़बरदस्त और बेहतरीन कार की तरफ। आज का कारा माशाल्लाह अच्छा और ज़बरदस्त रहेगा। ये वहीं वाले खोखे हैं जो तकरीबन आपने दो दिन या एक दिन पहले कारा देखा होगा, उस्ताद नादिर सिखानी और फरूक जट का। पहले जो मतलब उड़ाने वाला था वो था महबूब अहमद किशकोरी अलमरूफ पीर उड्डे शाह का, जो खोखा उन्होंने लिया हुआ है धुंधी से, वो सामने रखा हुआ है। ये उस्ताद नादिर सिखानी खोखा, लेकिन आज जो उड़ाएगा वो कबूतर खुद आप ही उड़ाएंगे। वो जो होगा, एक हो गया उस्ताद नादिर सिखानी और दूसरा हो गया फरूक जट। तो कारा माशाल्लाह अच्छा रहेगा ये कारा, और दानिश स्कूल में तो बेहतरीन कारा है इंशाल्लाह। मैं आपको फाजलपुर का भी कारा दिखाऊंगा, तकरीबन कोई दो दिन पूरे। उनका कारा ज़बरदस्त है, अच्छा और बेहतरीन है। वो भी शो एक जैसे हैं, ये भी शो एक जैसे हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। तो कारा माशाल्लाह अच्छा रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। कबूतरों को, खोखों को अपनी जगह पर रख दिया गया है। तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं कारे की तरफ। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज का कारा। माशाल्लाह दोनों सेटों के कबूतर ज़बरदस्त हैं। फरूक जट के जो कबूतर हैं उसने अभी नए लिए हुए हैं कबूतर, तकरीबन कोई दो या तीन दिन हुए हैं। उस्ताद नादिर का सेट ये रहा, जैसे सेट से मैं खड़ा हुआ हूँ, ये उस्ताद नादिर हो गया और उसके सामने वाला हो गया फरूक जट। ये कारा हो रहा है दानिश स्कूल में, जो दानिश स्कूल डेरा का सिखान वाला है उसी के ग्राउंड में कारा हो रहा है। कारा माशाल्लाह अच्छा रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। वीडियो को लाजमी लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। यार इसकी जो वॉल्यूम होता ना मैं वीडियो का, वो खुद ब खुद मैं थोड़ा कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप वहाँ पर वायलेशन नहीं कर सकते, शोर शराबा पैदा नहीं कर सकते। इसी वजह से इनका मैं वॉल्यूम कम ही कर देता हूँ, इससे मसला हो जाता है मेरे चैनल को। तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाजमी लाइक करना है। अभी कारा स्टार्ट है, इंशाल्लाह मैं आपको आखिर में रिज़ल्ट भी बता दूंगा। बीच बीच में बोलना अच्छी बात नहीं होती, इस वजह से मैं आखिर में रिज़ल्ट बता दूँगा और स्टार्ट में बता देता हूँ कि कौन सा खोखा किसका है। तो अभी कारा स्टार्ट है, इंशाल्लाह मिलेंगे रिज़ल्ट के साथ। उम्मीद है कि कारा अच्छा जाए और प्यार मोहब्बत के साथ ही जाए। तो दोनों के पालतू जो कबूतर हैं ना, वो ज़बरदस्त अच्छे और बेहतरीन हैं, कोई और बात नहीं है इनकी, ज़बरदस्ती कबूतर है माशाल्लाह। पकड़ा पकड़ी भी लाजम होने वाली है, क्योंकि एक ही जैसे शो हैं, एक ही जैसे। देखें ज़बरदस्त कारा, ज़बरदस्त कबूतर वाली ये कारा हो रहा है उस्ताद नादिर सिखानी बा मुकाबल फरूक जट। इंशाल्लाह बेहतरीन कारा होगा, दोनों के हक़ के लिए दुआ गो हैं कि कारा कैसे जाता है। इससे पहले उस्ताद नादिर ने तकरीबन को तीन कबूतरों से कारा जीता है, तकरीबन दो दिन पहले। तो मिलेंगे रिज़ल्ट के साथ। Thank you.
Thank you.
Ah!
तो यहाँ पर कार अभी स्टार्ट है, माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्ती कारा जा रहा है। देखें कबूतरबाजी ज़बरदस्त हो रही है। आज मौसम अच्छा था कल की बनिस्बत, मतलब कल का जो मौसम था काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज जो था ना, ये देखें रोज भाई ने फिर से कबूतर पकड़ लिया। आज ना मौसम अच्छा है माशाल्लाह, तो कबूतरबाजी भी अच्छी हो रही है दोनों पार्टियों की। इंशाल्लाह
फजलपुर का इरादा है, वहाँ पर जो करा हो रहा है ना वो बड़ा अच्छा करा हो रहा है। दो पार्टियाँ हैं वहाँ की फजलपुर की, इंशाल्लाह उम्मीद है कल ना परसों मैं उस कार पर लाजमी जाऊँगा और वहाँ की कबूतरबाजी भी आपको चेक करवाऊँगा कि वहाँ की कबूतरबाजी कैसी है और वहाँ के कारे कैसे होते हैं। वहाँ पर भी अच्छी कबूतरबाजी होती है, अच्छे कबूतरबाज हैं, तो मेरे डेरा खान में भी अच्छे कबूतरबाज हैं। अभी कार का जो टाइम है वो तकरीबन पूरी होने वाली है क्योंकि दोनों कबूतरबाज भी थक चुके हैं और उनके कबूतर तो माशाल्लाह अच्छे उड़ रहे हैं लेकिन नादर भाई के कबूतर थोड़े से थके हुए हैं मुझे लग रहा है ऐसे। ये देखें रूप के कबूतर तो अच्छे जा रहे हैं, अभी तक तो ज़बरदस्ती जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा करा गया आज का, प्यार मोहब्बत का करा था, कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी। दोनों पालतू ने अच्छी कबूतरबाजी की और प्यार मोहब्बत के साथ ही कबूतरबाजी हुई। जो बात की जाए कल की, कल का जो कर रहा था लंबी कथा, आज का आज भी उनका होना था लेकिन आज नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह हो सकता है कल हो जाए लंबी का फिर से सरगार करा दिखाएं आपको लंबी का। यहाँ पर तो कबूतर वापस कर देंगे, मतलब इस कार के जो तौर तरीके असूल हैं यहाँ पर आखिर में एक दो कबूतर वापस ही कर दिए जाते हैं। जिसने ज़्यादा कबूतर पकड़े होते हैं तो उसका कोई हिसाब किताब होता है, अगर बराबर हो तो बराबर की बात, लेकिन जो पार्टी जीतती है उसे ना कुछ मिलता है। अगर यहाँ पर रिजल्ट की बात की जाए तो क्योंकि कार का जो टाइम है वो पूरा होने वाला है, उस अदनादर ने पकड़े हुए हैं 10 कबूतर और 21 कबूतर गिराए हुए हैं, मतलब 11 कबूतरों से फरूख जाट आज का कारा जीता है, मतलब 11 कबूतर उन्होंने ज़्यादा किए हैं उस अदनादर से, 21 और 10 कबूतर, 21 पकड़े हैं फरूख जाट ने और 10 पकड़े हैं उस अदनादर ने। इस बनस्बत देखा जाए तो 11 कबूतर फरूख जाट ज्यादा है, फरूख जाट ने जीते हैं। तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए कार के साथ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अभी आप इनकी कबूतर देखें, मतलब 11 कबूतर आज उस्ताद नादर हारा है।